नमस्कार दोस्तों, आज आप दर्शन कर रहे हैं अल्मोड़ा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित विख्यात गोलू मंदिर चितई गोलू देवता के। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर है और न्याय के देवता कहे जाते हैं गोलू देवता। और गोलू देवता पूरे उत्तराखंड में और विशेष रूप से कुमाऊं में इष्ट देव माने जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है और काफी अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता कत्यूरी वंश के राजा झालराय के पुत्र थे, जिन्होंने चंपावत पर शासन किया था। गोलू देवता के संबंध में अनेकों लोक कथाएं प्रचलित हैं, उसी में से आपको मैं गोलू देवता के बारे में जो लोक कथा है वो बताने जा रहा हूं। इसमें जो भी गलती लगे, कमी लगे, आप क्षमा कीजिएगा। तो जो राजा झालराय थे, वो राजा झालराय की 7 रानियां थी, परंतु 7 रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े परेशान थे कि आगे को राज्य कैसे चले, तो उन्होंने अपने राज ज्योतिषियों और पंडितों से विचार विमर्श किया। तो राज ज्योतिषियों और पंडितों ने उनको राय दी कि आप भैरव जी का अनुष्ठान करें, भैरव जी को प्रसन्न करें, निश्चित रूप से भैरव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो राजा ने अपने इष्ट गौर भैरव की तपस्या की, उनसे प्रार्थना की और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उनकी कोई संतान हो। इस प्रकार से जब भैरव जी उनकी पूजा अर्चना से, तपस्या से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने सपने में राजा से कहा कि आप अब 8वीं शादी करें, जो 8वीं शादी आपकी होगी उससे आपको पुत्र प्राप्त होगा और इन 7 रानियों से पुत्र प्राप्त होने की संभावना नहीं है। और 8वीं रानी से जो पुत्र प्राप्त होगा, मैं स्वयं यानी भैरव जी आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तब जाके आपका राज्य पुनः सुखी और संपन्न होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और रात बीत गई और दैनिक रूटीन के तहत राजा जंगल भ्रमण पर जाते हैं, अपने सेवकों के साथ जंगल भ्रमण पर जाते हैं। तो राजा जब जंगल भ्रमण में जाते हैं तो उनके साथ उनके सहयोगी भी जाते हैं, नौकर चाकर जाते हैं। तो राजा को बीच में प्यास लगती है, तो राजा उनसे कहता है अपने सेवकों से कि पानी की व्यवस्था की जाए। सेवक पानी लेने जाते हैं, बहुत देर तक सेवक जब नहीं लौटते तो राजा थोड़ा चिंतित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो सेवक पानी लेने गए थे वो एक जलाशय के पास मूर्छित पड़े हुए हैं। तो राजा अचंभे में रहते हैं। उसी समय राजा पानी की ओर बढ़ते हैं तो एक आवाज आती है, रुको, ये तालाब मेरा है। राजा आश्चर्यचकित होते हैं, वहां पर सामने देखते हैं कि एक रूपवती कन्या वहां पर विराजमान है और उनका कहना है कि ये तालाब मेरा है और मेरी अनुमति के बिना यहाँ से पानी कोई नहीं ले सकता। अगर आप भी चेष्टा करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा जो आपके सेवकों का हुआ है। राजा बड़े परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो रानी एक शर्त रखती हैं, जो कन्या होती हैं वो शर्त रखती हैं कि जो सामने दो भैंसे लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई को आप छुड़वा दो, ये आपस में भिड़ रहे हैं इनको छुड़वा दो। तो राजा कोशिश करते हैं लेकिन भैंसों को छुड़वा नहीं पाते। उसके बाद वो कन्या जाती हैं और भैंसों को तुरंत ही छुड़ा देती हैं। तो राजा उनकी बल से, उनकी
सुंदरता से, उनके वैभव से बहुत ही प्रभावित होते हैं। परिचय पूछते हैं, तब वो कन्या बताती हैं कि मैं पंच नाम देवों की बहन हूं और मेरा नाम कालिंगा है। इस तरह से राजा से उनका परिचय होता है और राजा परिचय के बाद अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं और शादी का प्रस्ताव देते हैं। तो कालिंगा जो कन्या होती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने भाइयों से शादी की अनुमति लूंगी, अगर वो सहमति देंगे तभी ये संभव हो पाएगा। उसके बाद राजा पंचनाम देवों के पास जाते हैं और पंचनाम जो देवता होते हैं वो अपनी इच्छा से कहते हैं कि बिल्कुल वो विवाह के लिए राजी हैं। और इस प्रकार से राजा झलराय की आठवीं रानी बनती हैं कालिंगा और इस प्रकार से विवाह होता है, आठवां विवाह होता है। कालिंगा राजमहल में आती हैं विवाह के उपरांत और कुछ ही समय बाद गर्भवती होती हैं। पूरा राजमहल खुशियों से झूम उठता है, लेकिन जो सात रानियां होती हैं वो आठवीं रानी से बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि उनकी संतानें नहीं थी और वो देखती हैं कि अब इसकी संतान होने वाली है, तो उससे सौतेला व्यवहार करती हैं और चिढ़ती भी हैं। इस प्रकार से समय बीतता जाता है। समय बीतते बीतते रानी जब गर्भवती होती हैं तो उसके बाद जिस समय उनका प्रसव होता है उस समय राजा महल में नहीं होते हैं, राजा कहीं बाहर होते हैं। वो रानियां राजा को संदेश भी नहीं देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि इनकी संतान न हो। लेकिन जब प्रसव होता है, प्रसव के समय ये सात रानियां कालिंगा महारानी की आंखों में पट्टियां बांध देती हैं, कहती हैं कि आप प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए आंखों में पट्टियां बांध लो। जब संतान होती है, जन्म होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो ये उस पुत्र को ये सात रानियां छुपा देती हैं और पहले उनको गौशाला में डालती हैं, फिर इनको विभिन्न जगहों पर डालती हैं और उसके बाद जब ये पुत्र जन्म होता है वहां पर रानियां क्या कर देती हैं, सिलबट्टा रख देती हैं और आंखें खोलने को कहती हैं रानी से, आठवीं रानी कालिंगा से। जब वो आंखें खोलती हैं तो बताती हैं कि आपके जो संतान पैदा हुई है, ये संतान पैदा हुई है। तो अब वो आठवीं रानी जो कालिंगा होती हैं वो बहुत घबरा जाती हैं, उन्होंने कहा ऐसे वो सोच में पड़ जाती हैं, विचार मंथन में पड़ जाती हैं, लेकिन यही मान लेती हैं कि क्या पता ऊपर वाले को यही मंजूर हो और उन्हीं सिलबट्टों से बड़ा प्रेम के साथ उनको अपने साथ रखती हैं। और उधर वो सात रानियां पहले जो बालक जन्म हुआ है उस बालक को गौशाला में डालती हैं, सोचती हैं गायों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे, लेकिन देखते हैं वहां पर बालक सुंदर मुस्कुराता हुआ अपनी किलकारियां करता है। फिर उसके बाद उसको विभिन्न प्रकार से ये कोशिश करती हैं कि उसको मार डाला जाए। वे रानियां कहीं पर भी सफल नहीं होती तो बालक को एक लोहे के संदूक में, बक्से में बंद करके ये काली नदी में बहा देती हैं। अब बालक क्योंकि दिव्य बालक हैं, उसके बाद वो बालक चलते चलते काली नदी से वो गौरीहाट नामक स्थान में वो बक्सा बहते बहते जाता है। लोहे का बक्सा होता है लेकिन अलौकिक शक्ति है वो बालक, तो वो बहते जाता है, तब भी बह जाता है और वहां पर एक मछुआरे को वो बक्सा मिलता है। मछुआरा बक्से को खोलता है, देखता है उसके अंदर एक दिव्य रूप बालक है, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वो निसंतान होता है वो मछुआरा, अपने घर लाता है, पालन पोषण करता है। अब ये बालक थोड़ा बड़ा होने लगता है। जब बालक बड़ा हो जाता है तो बालक अपनी जिद में कहता है एक दिन अपने माता पिता से कि मेरे लिए घोड़ा लाओ। अब क्योंकि मछुआरा गरीब होता है, वो घोड़ा तो कहां से लाएगा, तो मछुआरा उस बालक को एक लकड़ी की बढ़िया घोड़ा बना के देता है और जो बालक होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है
और खुश होने के बाद उस घोड़े में बैठते ही वो घोड़ा चलने लगता है। ये दिव्य शक्ति, क्योंकि वो होने वाला बालक गुलजी महाराज होने वाला है, तो वो जब चलता है, चलते चलते वो खूब खेलता है, घोड़ सवारी करता है बालक। और एक दिन ऐसा होता है, वो बालक अपना घोड़ा लेकर के राजमहल के पास जो जलाशय होता है जिसमें रानियां पानी भरने या अन्य कार्यों के लिए आती हैं, तो अपने घोड़े को लेकर के वो वहां पर जाता है राजमहल के पास। वहां पर वो सात रानियां मिलती हैं। जब वो सात रानियां मिलती हैं तो बालक वो वहां से पानी भरने वाली होती हैं, तो बालक कहता है कि पहले मेरे घोड़े को पानी पीना है, उसके बाद आप लोग पानी भरोगे। तो रानियां खूब हंसने लगती हैं, मजाक समझती है कि काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, ये कैसे पानी पिएगा। तो उससे कहती है, अरे बालक, ये तुम्हारा लकड़ी का जो घोड़ा है, काठ का जो घोड़ा है, पानी कैसे पी सकता है। हंसने लगती हैं। तो बालक बड़ी चतुराई से कहता है, जब किसी माता के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता। तो रानियों में अचानक अचंभा हो जाता है उनको कि ये ऐसा इसने कैसे कह दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके बाद फिर वो घोड़ा पानी पीने लगता है। और अब ये गुप्तचर इस सूचना को राजा को देते हैं, और राजा को जब सूचना जाती है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो राजा भी अचंभे में आ जाता है। राजा सोचता है कि भाई कुछ न कुछ तो है। तो उसके बाद राजा बुलवाता है रानियों को और उस मछुआरे को भी बुलवाता है, पूरी बातें होती हैं। तब जाके पता चलता है कि गुलजू को इन सात रानियों के द्वारा इनको बक्से में बहा दिया गया था। उसके बाद गुलजू आते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं। अब जब पूरी कहानी बताते हैं राज दरबार में, तो कि मैं आपका पुत्र हूँ, इस तरह से वो बताते हैं। तो जब पता चलता है कि गुलजू उनके पुत्र हैं, तो माँ कालिंगा जो होती हैं, वो कहती है कि नहीं, मैं अभी आपकी परीक्षा लूंगी कि आप मेरे ही पुत्र हो। तो इसके बाद होता क्या है कि वो बालक कहता है कि माँ कालिंगा, मैं नदी के उस ओर रहूंगा, आप नदी के इस ओर रहेंगी, आपके बक्ष स्थल से जो दुग्ध होगा, आप यहाँ से दुग्ध प्रवाहित होगा, तो वो मेरे मुंह में जाएगा। और ऐसा ही होता भी है। और तब से ये जो बालक होता है वो राजकुमार होता है, और गुलजू महाराज फिर यही गुलजू महाराज होते हैं, और यही गोलू देवता, गौर भैरव, गोलूजू, गोलजू, बाला गोरिया, गोयल देवता आदि नाम से जाने जाते हैं। बड़े प्रतापी राजा होते हैं। और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको दंड दिया जाता है, फिर भी गोलजू उनके दंड को माफ करते हैं। गोलू देवता इस प्रकार से राजा बनते हैं और सभी के साथ न्याय करते हैं। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में, पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जो गुलदेवता का मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर चंपावत में है। चंपावत के बाद जहाँ जहाँ गोलू देवता जी ने न्याय किया, जहाँ जहाँ दरबार लगाए, वहाँ वहाँ उनके मंदिर बने। उदयपुर गोलू देवता मंदिर, चमड़खान गोलू देवता मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर प्रसिद्ध गोलू मंदिरों में से हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से गांव-गांव में, घर घर में गुलजू विराजमान हैं, सबके साथ न्याय करते हैं और सबका कल्याण करने वाले देवता हैं। आपने गोलू देवता की कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी में जो लोक गाथाएं हैं इनमें कोई कमी रह गई हो या कुछ त्रुटियां रह गई हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय गोलू देवता, सबका भला करें, सबका भंडार भले रहे। जय हो गोलू देवता, हर हर महादेव। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।